शम्मा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शम्मा परवाने को जलाना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ़ें, मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ़ें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। अगला लाइन है आपके लिए कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद है, खड़ा हूं अभी गिरा नहीं हूं, अभी जंग बाकी है और मैं हारा नहीं हूं। तो दोस्तों, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता का बताऊंगा। इसके पीछे की वीडियोस में मैंने 12 क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर चुका हूं। जो नए स्टूडेंट्स हैं और अभी तक चैनल मस्त क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए, वो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले, ताकि कोई भी वीडियो बनाया जाए और डाला जाए तो सबसे पहले आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह के मजेदार वीडियो को आसान विधि से आप लोग को सिखाया जाएगा कैसे बनाया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये आपके सामने जो है बुक है NCERT। लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए पासा में 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। पहला कहता है एक अभाज्य संख्या, पहला में हमको क्या निकालना है, अभाज्य संख्या, प्रायिकता ऑफ अभाज्य। तो कुल कितने हैं, 6, तो नीचे तो कुल लिखना है 6। अभाज्य देखिए 2 है, 3 है, 5 है, तो 3 वो संख्या हो गया ना, 1, 2, 3, तो 3/6 इसका सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो, क्लियर। अब दूसरा कहता है ना 2 और 6 के बीच, दूसरा सवाल 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच देखिए कौन कौन, नीचे तक टोटल कुल 6 लिखना है और 2 और 6 के जो बीच है 1, 2, 3, 3 वो है, 3/6 काटने के बाद आ जाएगा 1/2, ये भी आपका आंसर हो, क्लियर। तीसरा कह रहा है एक विषम संख्या, विषम पूछ रहा है तो नीचे तो आपको टोटल लिखना ही होगा 6, और विषम 1, 2, 3, 1, 3, 5 विषम है, 3 हुए, 3/6 काटने के बाद 1/2, ये भी आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन 13 समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 क्वेश्चन लिखा है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता कीजिए। पहला है लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, 3 में कह रहा है लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, 5 का गुलाम, हुकुम का पत्ता और 1 ईंट की बेगम। तो देखिए 14 का क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करूँगा मैं आप सबको बताता हूँ। देखिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। 52 पत्ता है, पहला लाल रंग का बादशाह, पहला है लाल रंग का बादशाह। देखिए पूरे प्रायिकता में 2 ही लाल रंग के बादशाह होते हैं, तो 2/52 इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा 1/26, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन एक फेस कार्ड, तो फेस कार्ड टोटल 3×4 वो होते हैं, है ना, कितने होते हैं 12 वो, तो फेस कार्ड का जो होगा ना वो आपका हो जाएगा 12/52, तो 3×4 4×3 12, 4×13 12, मतलब 3/13। तीसरा सवाल है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के तस्वीर वाला 6 गो होता है 52 गो में से, तो 3/26 हो जाएगा आंसर, 3/26। चौथा है पान का गुलाम, तो देखिए पान का गुलाम सिर्फ 1 होता है, प्रायिकता ऑफ पान का गुलाम, 1 होता है पत्ता 52 गो में से, तो 1/52 शर्त है, पान में से ही लेना है, तो 1/52। पांचवा है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता 5 में है, तो हुकुम का जो पत्ता होता है ना टोटल वो आपका 13 गो होता है, मैंने थ्योरी बताया था 13/52 कटा लीजिएगा तो आ जाएगा 1/4। और छठवा देख लीजिए, इसी में 6 क्वेश्चंस है, एक ईंट की बेगम, प्रायिकता ऑफ एक ईंट की बेगम, तो ईंट की जो बेगम होती है ना टोटल आपकी ईंट की बेगम 1 होती है 52 गो में से, 1/52, ये आपका आंसर हुआ। तो मैंने इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन 13 और 14 का सोल्यूशन किया वो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्सों में भी शेयर कर देंगे। थैंक्स, इसी तरह के मजेदार वीडियो के साथ
अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स।